अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुथलैंड वाटर, बहुत ही प्यारी जगह है विजिटिंग के लिए। एक बहुत बड़ी लेक है यहाँ पे, आप को अलो है, आप बारबेक्यू कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, इवन के सनशाइन हो तो यहाँ पे लोग पानी में बाथ भी ले रहे होते हैं। यूके में है वो, ज़रूर इस जगह को विज़िट करें, आपको अच्छा लगेगा। मैं स्पेशली विज़िट के लिए नहीं आया इधर, अचानक ऐसा हुआ कि वो मैं प्राइवेट हायर करता हूँ, जॉब करता हूँ, तो मेरे 3 स्टूडेंट थे, उनका एग्ज़ाम था, उनको उतारा इधर से 3 माइल अवे है, उनको उतार के तो मेरे पास 2 आवर थे, तो सोचा मैं अपने यूट्यूब व्यूअर को, अपने सब्सक्राइबर को ये प्यारी सी झील जो है इसका नज़ारा कराते हैं, और साथ में मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। तो इसके डिफरेंट मैं कोशिश करूँगा कि इतने टाइम में डिफरेंट जो एंगल कवर हुए तो वो मैं कवर करूँ। हाँ जी व्यूअर्स, सोच रहे हो गए कि मेरे पीछे बोट नज़र आ रही है, बोटिंग नहीं कर रहा, और मैं मेरा हाल पागल लगा कला ही बोट पर बैठा। और इससे हम ये भी सबक लेते हैं, अच्छी बात, इससे अच्छा पॉइंट निकालते हैं। जैसे इंसान जो है ना, वो कनेक्टेड, यानी अपने फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मुआशरे के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। ठीक है, गिले शिकवे नाराज़गी सब में होती है, लेकिन हमेशा कनेक्टेड रहें, अपने आप को अलग थलग नहीं करना। जैसे मैं अभी अकेला बैठा हूँ, कितना अच्छा पॉइंट है, लेकिन मैं उधर बोटिंग नहीं कर सकता, इंजॉय नहीं कर सकता, बस एक टाइम गुजारने के लिए आया हूँ। तो आपने इस तरह अपने फैमिली, फ्रेंड्स और मुआशरे के साथ कनेक्टेड रहना है, तो इसी तरह लाइफ जो है वो खुशगवार और रंगीन लगती है। और मेरे चैनल का मकसद भी यही है कि हम सब एक फैमिली की तरह रहें, मिलके जो भी हमारे टारगेट हैं, जैसे हम फैट लॉस करना चाहते हैं, कोई भी हेल्थ का कोई भी गोल है, तो एक फैमिली की तरह हम मिलके चलें। इसमें कोई इशू नहीं कि कोई किस कंट्री में रह रहा है, कोई किस कंट्री में रह रहा है, हम एक फैमिली के साथ की तरह इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और मैं जल्दी फैट लॉस सीरीज के ऊपर अपनी वीडियो डालूँगा, और मेरा वादा है कि अगर आप मेरी वो 10 वीडियो होंगी, आप वो मेरी वीडियो अगर फॉलो करेंगे, तो आप अपना खुद मैनेज कर लेंगे, आप लोगों को भी डाइट इंशाल्लाह बना के देंगे। मेरा नॉलेज गो के कम है, लेकिन मुझे अपने आप पे इतना ट्रस्ट है कि मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि कैसे आपको समझाना है, वो मेरा आपसे वादा है। और एक चैलेंज भी है कि वो सारी मेरी ज़िम्मेदारी है, कैसे आपको समझाना है, आपने सिर्फ़ वो मेरी सीरीज फॉलो करनी है। वो अभी तो मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं डाली, अन करीब वो मैं वीडियो डालने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मिलके हम करेंगे, मैं आपसे सीखूँगा, तो मैं अपना नॉलेज आपसे शेयर करूँगा और आपसे बहुत सारी बातें शेयर करूँगा और सीखूँगा। मेरा मानना है कि कोई रीडिंग से या कोई सर्च से इतना इजाफा नहीं होता इलम में, जितना बांटने से होता है, तो इंशाल्लाह हम सब मिलके सीखेंगे। जी व्यूअर्स, तो यूके में इस वक्त सुबह के 10 बजे हैं और मैं अपना ब्रेकफास्ट लेने वाला हूँ। मैं भी एक फैट लॉस कर रहा हूँ, पहले मैंने फ़ैट लॉस किया 103 से मैं 78 kg पे आया, जिससे मैं गो के मैंने 4-5 महीने में 24 किलो अपना वज़न 22-24 किलो लूज़ किया, लेकिन मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन से खुश नहीं था, मुझसे गलतियाँ हुई। क्या गलतियाँ हुई वो मैं आपसे शेयर करूँगा। फिर मैं 78 से अपने आप को 83 पे लेके गया, 84, अभी मेरा 84 है, और मैं अभी वापस थोड़ा फैट लॉस कर रहा हूँ। मेरा फैट जो था ना 33% था, जो कि डेंजरस है, अच्छा नहीं था, डॉक्टर भी बोलते हैं इस फैट को कम करो, तो उस फैट को मैं 33% से 20% पे लेके आया, लेकिन मैंने साथ में मसल बहुत लॉस किया। वो मैं आपसे शेयर करूँगा क्या गलतियाँ मैंने की, जिन गलतियों से आपने बचना है। और फिर अभी 20% से मैं 10% लेके आने वाला हूँ, तो अभी मैं मेरी मेंटेनेंस कैलरी के मैं डेली अगर 2500 कैलरी कंज्यूम करूँगा, तो मेरा वज़न ना
बढ़ेगा ना कम होगा, 83 पे रुकेगा। अभी मैं डेली का 2000 कैलोरी ले रहा हूँ, 400 कैलोरी कम ले रहा हूँ, तो स्लोली स्लोली नीचे जाएगा वेट, तो फैट और नीचे नीचे आ जाएगा। तो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या मैं ले रहा हूँ, कितनी कैलरीज है इसमें, तो आपका थोड़ा नॉलेज भी विजिटिंग पॉइंट के साथ साथ थोड़ा न्यूट्रिशन का नॉलेज भी आपका बढ़ेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट क्या ले रहा हूँ, इसमें कितनी कैलरी है। स्टार्ट करते हैं, ये पेप्सी मैक्स है, नो शुगर, ज़ीरो कैलरी, तो इसकी कोई कैलरी नहीं। मैं कंज्यूम तो कर रहा हूँ लेकिन कैलरी मेरा जो काउंट नहीं होगा, और इसको एक हैबिट नहीं बनाना चाहिए। इसमें थोड़े और भी केमिकल हैं, सेहत के लिए है अच्छे नहीं है। वीक में एक दो दफ़ा कर लें, तीन दफ़ा, तो ज़ीरो कैलरी, शुगर नहीं लेनी। अभी देखें मेरे पास ब्रेकफास्ट जो है, 3 ब्राउन ब्रेड, और ब्राउन ब्रेड वाइट ब्रेड से अच्छी है, अगर अवेलेबल हैं तो ज़रूर ये यूज़ करें। तो ये होल मील है, इसमें फाइबर मौजूद है, कंज्यूम करेंगे तो जो इंसुलिन को स्पाइक नहीं करेगा। अच्छा, अब ब्राउन ब्रेड ये तकरीबन छोटे साइज़ की है, नॉर्मल बड़े साइज़ की हो तो 70 कैलोरी होगी, तो अभी छोटे साइज़ की है तो 50 कैलोरी मैं एक ब्रेड को मानूंगा। तो 3 ब्रेड मैं ले रहा हूँ जिसमें 150 कैलोरीज, और ये मेरे पास ऑमलेट है, इसमें एक होल एग है, उसकी 70 कैलोरी हैं, और 5 एग वाइट हैं, तो 5 एग वाइट की जो है ना 75, एक एग वाइट में 15 कैलोरी है, 15 कैलोरी, तो 75 और 70 145, और इसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाला हुआ एक स्पून, उसकी 120, तो 300 कैलोरी ये हैं। टमाटो केचप है साथ, तो रफली 300 कैलोरी और 450 का ये मेरा मील है। तो सारे दिन में मैंने कंज्यूम करना है 2000 कैलोरी, तो 400 ये अभी 1600 कैलोरी सारे दिन में मैं और कंज्यूम करूँगा। वो किस मील में मैं कितनी कैलोरी और कौन सा मील है वो आपसे शेयर करता रहूँगा आइंदा आने वाली वीडियोस में। फ़िलहाल ये मैंने आपसे कैलोरीज शेयर किया। लो जी वीवर्स, हूँ तो खुश हो जो तुहानू ज़्यादा कश्तियाँ बहा दितियां ने, और स्पेशली पिछे देख सकते हो चिल्ड्रन प्ले एरिया, चिल्ड्रन उत्थे प्ले कर सकते ने। इस वास्ते अगर जेडे यूके लेस्टर दे करीब हो वो तुसी जरूर इत्थे विजिट करना, वो तुहानू अच्छा लगेगा, और जेडे पाकिस्तान ने वो तुसी एक सीन इंजॉय कर सकते हो। और प्लीज़ इस दे नाल नाल तुसी चैनल सबसक्राइब करना नहीं भुलना, दोस्तों का शेयर प्लीज़ करो, ताकि साडा जिहड़ा न्यूट्रिशन की जरूरी मालूमात है वह ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोग हैल्थ की तरफ आ सकन। जी वीवर, तुम देख सकते हो कश्तियाँ इस साइड पर, कश्ती तुम रेंट लैके खुद बोटिंग भी कर सकते हो, और स्पेशली वीकेंड लोग आते हैं वीकेंड समर में, लेकिन अज क्योंकि मंडे वे इस वास्ते इतने मैं ही कला घूम रहा हूँ। उम्मीद है तुसी इस विलाग नू इंजॉय करो, दे जाते जाते ना झील की इस तरफ का भी नज़ारा ले लें, जो बड़ी मोटर बोट है उस पर बैठने के लिए आप ये झील के अंदर वो रास्ता देख सकते हैं, और फिर जाके बोटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप इस पूरे मेरे विलाग से आपने विजिटिंग पॉइंट के साथ साथ न्यूट्रिशन की थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी ली। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। देखें जी, कार पार्क किया है, पे के बगैर नहीं जा सकते, नहीं तो टिकट घर आ जाएगी। ये पे स्टेशन है, दो मशीनें लगी हुई हैं, सो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टिकट इंसर्ट करेंगे, वो लिखा हुआ प्लीज़ इंसर्ट टिकट, ये मैं टिकट इसमें डाल रहा हूँ। हाँ जी, कितने मुझे पे करने हैं, बोलते हैं 1.90 पेंस, तो अभी इनको 1.90। और ये सहूलत है कि अगर नोट्स डालने हैं तो नोट्स, बैंक नोट्स यहाँ डाल सकते हैं, कॉइन्स में कॉइन डालता हूँ तो मेरा फिर टिकट पे का बाहर आ जाएगा, नहीं तो बैरियर नहीं ओपन होगा। तो कॉइन्स ये मैं, तो ये पाउंड, 1 पाउंड है,
1 पाउंड इसमें इंसर्ट करता हूँ। 1 पाउंड डाला तो ये देखें आ रहा है जी 90 पेंस और दें। मशीन के अंदर पता नहीं बंदा बैठा हुआ है, साफ पूरा रखा हुआ है उसने। ये लें जी, वो वापस कर देता है। मैं 10p, मैं क्या पाउंड वापस हटिया ऐ जनाब, 10p मेरी वापस आ गई 10 पैसे। ऐ मेरा टिकट आ गया, ये बैरियर तो स्कैन करांगा तो वो मैं अलो करेगी कि निकल जाओ। अच्छा वीवर देखें, ये अभी ना मैं पार्क से रूटलैंड वाटर जो झील है इससे बाहर जाने लगा हूँ, तो ये बैरियर है, तो बैरियर ओपन नहीं होगा। ये टिकट स्कैन बोल रहेगा, नहीं ओपन हो गया, सॉरी। ये था इधर, अगर इधर पे करने, लेकिन मेरा ऑलरेडी पे है तो ऑटोमेटिक ओपन हो गया, ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसने रजिस्ट्रेशन नंबर रीड कर लिया और बैरियर ओपन हो गया। लो जी, अल्लाह हाफिज़।